नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। पूरे देश में इस वक्त कई मुद्दे गरमाए हुए हैं, उन्हीं मुद्दों के बीच अग्निपथ योजना भी शामिल है, जिसको लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है। इसी कड़ी में कारगिल युद्ध के दौरान भारत को जीत दिलाने वाले तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बीपी मलिक ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया और कहा कि अल्पकालिक भर्ती योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार गुंडों की भर्ती में सेना की कोई दिलचस्पी नहीं है। जनरल मलिक ने कहा कि हमें ये समझना होगा कि सशस्त्र बल वॉलंटियर फोर्स है, ये कोई कल्याणकारी संगठन नहीं है और इसमें सबसे अच्छे लोगों का होना जरूरी है जो देश के लिए लड़ सके, जो देश की रक्षा कर सके। उन्होंने आगे कहा कि उन लोगों को हम सेना में नहीं चाहते जो लोग गुंडागर्दी, बस और ट्रेन जलाने में शामिल है। हालांकि इस दौरान उन्होंने इस बात में सहमति जताई कि कुछ लोग हैं जो अपना टेस्ट पूरा नहीं कर सके थे। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ लोगों की उम्र सीमा पार कर गए होंगे, वे अग्निपथ योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, ऐसे में उनकी परेशानी को मैं समझता हूँ। जनरल मलिक ने इस बात के संकेत दिए हैं कि उम्मीदवारों को नौकरी के लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों में लेटरल एंट्री का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र में भर्ती की जाएगी, हालांकि नौकरी की गारंटी अभी नहीं है। बहरहाल अग्निपथ पर मची खलबली देश में कई और हिंसक तस्वीर दिखा सकती है। इस पर आप लोग के क्या तर्क हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन।